नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका किट्टू टिफिन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड और एक की भुर्जी, जो कि बहुत ही आसान है, सिंपल है और तुरंत बन के तैयार होने वाली नाश्ते की रेसिपी है। इसके लिए हमने दो ब्रेड को 4x4 के पीसेस में काट लिया है। ये हमने दो अंडे लिए हैं, साथ ही थोड़ी सी प्याज, हरी शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया के पत्ते और थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। दोनों अंडे को एक बाउल में तोड़ लेंगे हम। यह आ गया पहला अंडा, ये दूसरा। हम इनमें सब्जियों को मिला देंगे, हरी मिर्च आ गई, प्याज आ गया, यह आ गई शिमला मिर्च, टमाटर, आप मनपसंद कोई भी सब्जी डाल सकते हैं इसमें, धनिया, थोड़े से नमक स्वाद के लिए और हल्दी पाउडर कलर के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अपने ये ब्रेड के क्यूब्स डालेंगे। अंडा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब टाइम आ गया है क्यूब डालने का ब्रेड के। ब्रेड के क्यूब डाल के इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे साइड पे और गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर हम रखेंगे एक फ्राई पैन। फ्राई पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइन का तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। गर्म हुए तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल होगा इसमें हम डाल देंगे मिक्सचर और इसको हाई फ्लेम पे 2 से 2.5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा हाई फ्लेम पे इसे पकने में, लगातार चलाते रहें। 2 मिनट के बाद ये भुर्जी हमारी बनके तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, तुरंत बनने वाली इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। अगर समय नहीं है तो इसको ब्रेकफास्ट में आराम से खाया जा सकता है। इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।